नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाइए और नए वीडियो की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल हिट शॉट फिल्म में। आज के इस पार्ट में हम देखेंगे कि मेरे पास एक लैपटॉप है लिनो G5070। अब ये जो मॉडल है एक्चुअली इसमें जो हार्ड डिस्क है वो 12 पूरा हार्ड डिस्क है साटा, और इस लैपटॉप में मुझे लगानी है SSD। अभी मेरे पास WD का ग्रीन हार्ड डिस्क है 120 GB। तो हम इस हार्ड डिस्क को रिप्लेस करेंगे, तो चलो फिर देखते हैं इसे कैसे करना है। देखिए होता क्या है कि जनरली हम अपने लैपटॉप में, अभी जो मेरा लैपटॉप है पुराना, इसके साथ जो मुझे मिला था वो 500 GB हार्ड डिस्क था, लेकिन वो 500 GB हार्ड डिस्क अभी थोड़ा पुराना हो चुका है और मुझे थोड़ा फास्टर हार्ड डिस्क चाहिए था, इसीलिए मैंने ये हार्ड डिस्क को मंगाया है। यह हार्ड डिस्क जो है आपको SSD ड्राइव आपको 120 GB आपको मार्केट में मिलेगा 2000 से लेके 2500 के बीच में आपको यह हार्ड डिस्क मिलने वाला है। और ये जो हार्ड डिस्क है ये कंपेरेटिवली 12 कोड़ा जो होती है उससे थोड़ी फास्टर होती है, इसीलिए वो हार्ड डिस्क आज मैं लगाने वाला हूँ। तो ये कैसे करते हैं चलो फिर देखते हैं। ये जो लैपटॉप है लिनो G5070, इस लैपटॉप का अभी मैंने बैक पैनल जो होता है पीछे का ये वाला पैनल जो है, मैंने ये यहाँ पे जो 3 स्क्रू थे मैंने उसे खोल दिया है। और उसके बाद अभी ये हार्ड डिस्क है, ये पुराना हार्ड डिस्क है और ये नया हार्ड डिस्क है। तो अभी मैं इस हार्ड डिस्क को निकालने वाला हूँ स्क्रू के साथ। ओके, ठीक है, ये हार्ड डिस्क यहाँ पे, ये कैडी, इसे हम कैडी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसे अच्छे से लगाएंगे तो वो बेटर होगा, उसी हिसाब से आपको लगाना होगा इस हार्ड डिस्क को। कैडी काम क्या करता है कि आपके हार्ड डिस्क को, जैसे अभी ये काफ़ी थिक हार्ड डिस्क है तो इसका थिकनेस बहुत ही कम है, तो कैडी उसमें दूसरा हार्ड डिस्क बिठाने के लिए हमें हेल्प करता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसे लगा दिया है और हार्ड डिस्क पे हार्ड डिस्क भी अभी इसके अंदर
ठीक है, तो मैंने अभी हार्ड डिस्क को यहाँ पे फिट कर दिया है। ओके तो अभी हम देखेंगे कि हमारा ये जो अभी हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क हमें लैपटॉप में शो करता है या नहीं। ओके तो देखते हैं, अभी मैं फिलहाल तो इसके बायस में जा रहा हूँ और बायस में जाके देखेंगे हम। देखिए यहाँ पे WDS 120G2G0, ये मतलब ये जो हार्ड डिस्क है हमारा यहाँ पे सेट हो गया। बस अभी हमें इसको इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जैसे ही हम इंस्टॉलेशन के लिए लगाएंगे तो आपका हार्ड डिस्क, अभी जो हार्ड डिस्क है वो वहाँ पे इंस्टॉलेशन होना शुरू हो जाएगा। तो देखा आपने कि ये जो लैपटॉप है इसमें हमने कैसे SSD इंस्टॉल किया, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आप लिखिए, मैं आपको इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि आपको कैसे अपग्रेड करना है, क्या क्या करना है, आपको कौन सी हार्ड डिस्क लेनी ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो आने वाले हमारे जो नए वीडियो है वो आपको ईमेल के थ्रू मिलते रहे। तो देखते रहिए हिट शॉट फिल्म्स। थैंक यू।